ओम साई राम। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन की दैनिक लड़ाई में दुख और कठिनाइयों के प्रकट होने पर निराश ना हो। तुम अपने भाग्य के स्वामी हो, तुम अपने परमात्मा मेरे अंश हो। इसे जियो, इसे महसूस करो, भीतर से आध्यात्मिक शक्ति और साहस का सृजन करो। मुझसे अपने पालनकर्ता से जुड़ने के तरीके सीखो, जहाँ से तुम्हें सारी शक्तियाँ मिलती हैं। अपने भीतर और गहराई में गोते लगाओ, अमरता के पवित्र जल में डुबकी लगाओ, क्योंकि तुम्हारी आत्मा अमर है। तुम फिर से ताज़ा, पुनर्निर्मित और जीवंत महसूस करोगे। इस प्रकृति के नियम समझो, अपनी प्रकृति को समझो, अपने मन को काबू करने के तरीकों को जानो। मन पे विजय वास्तव में ही इस दुनिया और प्रकृति पे विजय के बराबर है। कठिनाइयाँ तुम्हारी इच्छा शक्ति को मजबूत करती हैं। श्रद्धा और शबूरी की शक्ति को और बढ़ाओ और अपने मन को मेरी ओर मोड़ दो। साई सच्चरित्र पढ़ो, तुम्हें जीवन के कई नए पाठ उसमें मिलेंगे। नफरत को प्रेम और मुश्किलों को अपनी मुस्कान से हराने की ताकत रखते हो तुम। तुम्हारी कमजोरियों में ही तुम्हारी नई हिम्मत के बीज होते हैं। हर कठिनाई पे एक एक करके विजय प्राप्त करते जाओ। ये एक नए आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत है। ऐसा जीवन जहाँ तुम्हारा विस्तार होगा, जहाँ तुम्हारी महिमा गाई जाएगी और तुम दिव्य वैभव को प्राप्त करोगे। मेरी तरफ देखो और आगे बढ़ो। सभी सकारात्मक गुणों का निर्माण करो, भाग्य, धैर्य और साहस। एक नया जीवन शुरू करो। अपने साईं के लिए एक बार मुस्कुरा दो, तुम्हारी मुस्कान मुझे बहुत पसंद है। सब शुभ है, सब शुभ ही होगा। जय साईं राम।